कोरोना लॉकडाउन का असर पढ़ाई लिखाई और छात्रों पर पड़ रहा है। मार्च में लागू हुए लॉकडाउन की वजह से विश्वविद्यालयों और कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब अनलॉक शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से 30 जून के बाद परीक्षाएं करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इन सब के बीच अब सरकार के इस फैसले का भी विरोध शुरू हो गया है, जिसमें न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मौजूदा हालात में परीक्षाएं करवाना मुश्किल है। ऐसे में छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। छात्रों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोई इम्तिहान देने कैसे आएगा। इसी को लेकर छात्र संगठन लगातार अपना विरोध जता रहे हैं, जिसमें कुछ शिक्षक संगठन भी अब जुड़ गए हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने छात्र छात्राओं को बड़ी राहत देते हुए बची हुई नई परीक्षाएं कराने का फैसला किया है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। कोरोना काल में विश्वविद्यालय के फैसले से छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण हमारे विद्यार्थी देश के विभिन्न कोनों से आते हैं, साथ ही हम आवासीय विश्वविद्यालय भी हैं। महामारी के इस दौर में विद्यार्थियों को परीक्षा देने हेतु विश्वविद्यालय परिसर में बुलाना उनके स्वास्थ्य हेतु सुरक्षित नहीं था, अतः विश्वविद्यालय ने UGC के अनुदेशों का पालन करते हुए 50% आंतरिक मूल्यांकन तथा 50% पुराने सेमेस्टर के ग्रेड्स को जोड़कर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। अगर भविष्य में UGC तथा MHRD कुछ और दिशा निर्देश देती है तो उसके आधार पर विश्वविद्यालय अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी। धन्यवाद। जो अभी आज नोटिस आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे कि जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम्स नहीं देने होंगे अपने, और जो उनके लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम मार्क्स थे उसके बेसिस पे उनको इस सेमेस्टर में पास कर दिया जाएगा और वैसे ही मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। स्पेशली मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आए थे लास्ट सेमेस्टर में, तो उस सेमेस्टर के बेसिस पे इस सेमेस्टर पे वो मुझे पास कर देंगे। और बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी ने कोरोना के बढ़ते चलते परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाने का फैसला किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के टीचर्स ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है, जबकि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव भेजा है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने बिना परीक्षा लिए छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट करने की मांग की है, लेकिन AKTU अभी शासन के जवाब का इंतजार कर रहा है। अंबेडकर विश्वविद्यालय ने सबसे पहले फाइनल ईयर के छात्रों के रिजल्ट बनाने की तैयारी कर रहा है, जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों का तर्क है कि यूनिवर्सिटी और उसके संबद्ध कॉलेजों में बाहर राज्यों के अलावा विदेशी छात्र पढ़ते हैं और कोरोना के चलते छात्र छात्राएं अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में सभी छात्र छात्राओं का परीक्षा में शामिल होना मुमकिन नहीं, जबकि AKTU ने परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन वहां के छात्र छात्राओं ने भी परीक्षाएं नहीं करवाने की मांग की है। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, हमारे साथ संवाददाता शैलेश जुड़ गए। शैलेश, ये जो पूरा विश्वविद्यालयों का जो फैसला है, कहीं पर परीक्षा होगी कहीं पर नहीं होगी, इन सब के बीच क्या राह निकलती हुई दिख रही है? अवधेश, देखिए फिलहाल तो स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 30 जून के बाद परीक्षाएं कराई जा सकती हैं मुख्य सचिव के आदेश थे, और उसी के आधार पर चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे AKTU हो, चाहे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह पर परीक्षा की तिथियां घोषित की जा रही हैं। और वहीं दूसरी ओर जो हम बात करें अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लखनऊ में, तो उसने ये कहा है, क्योंकि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो उसने साफ कहा है कि हम MHRD और UGC की जो गाइडलाइंस आई थी COVID-19 महामारी को देखते हुए, उसके अनुसार उसके अनुपालन में अपने यहाँ अब बची हुई परीक्षाएं नहीं कराएंगे, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम उनको प्रमोट करेंगे, जो पिछले सेमेस्टर में उनको मार्क्स मिले थे, जो इंटरनल में मार्क्स मिले हैं उनके आधार पर इन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो अब एक तरफ अंबेडकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जो हैं वो इसे एक वेलकम स्टेप बोल रहे हैं, वो उसका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे काफ़ी राहत मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी ये बोल रहे हैं, हमने सुना, दर्शकों ने सुना कि COVID-19 महामारी के दौरान छात्र छात्राओं को बुलाना, परीक्षा कराना एक मुश्किल काम है, डर है कि संक्रमण फैल भी सकता है।
जबकि यहाँ पर अगर बात करें बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर जो छात्र छात्राएं जिनको अभी इस परीक्षा से राहत दी है उनकी संख्या 3000 के आसपास है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग वजह नहीं थी वहाँ पर, वरना तो वो भी परीक्षा को लेकर अलग तरह से सोचते। लेकिन रास्ते में ट्रेवल करना, हॉस्टल में रुकना, मेस का खाना खाना, कहीं पर भी कोई संक्रमण की चपेट में ना आए, इसको ध्यान में रख के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपनी परीक्षाओं को ना कराकर प्रमोट करने का फैसला लिया है। वहीं अब आ जाते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी पर, तो छात्र छात्राओं का कहना है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में तो और ज़्यादा बड़ी छात्र संख्या है, ऐसे में जो ट्रैवल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लाखों की संख्या है ये आपको बताएं, अब देख यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की मिलाकर तो वो ट्रैवल होगा, उसके बाद परीक्षाएं कराना, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट हॉस्टल वाले हैं या प्राइवेट रूम लेने वाले हैं, उनके सामने समस्याएं आ सकती हैं। छात्रों का कहना है, छात्र दिनेश शर्मा के घर के बाहर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन भी किया था कि उनको परीक्षा से राहत दी जाए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या राह निकलती। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर गोरखपुर से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि बची हुई वार्षिक परीक्षाएं 7-8 अगस्त के बीच होंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय ने फैसला किया है कि बची हुई जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो 7-8 अगस्त के बीच करवाई जाएंगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय परीक्षा नहीं लेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की अलग अपनी दलीलें हैं, लेकिन नीरज का रुख करते हैं। नीरज, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, जो कोरोना वायरस के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो परीक्षाएं गोरखपुर विश्वविद्यालय की शेष रह गई थी, उन परीक्षाओं को अभी परीक्षा समिति का निर्णय हुआ है और उसमें फैसला लिया गया है कि ये परीक्षाएं 7 जुलाई से और 8 अगस्त के बीच होंगी और इसी के बीच में इन परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए।